76 कुत्ते मारे हमने। खून के नदियां तो बहेंगी, ईर्जा को ऐसा जवाब देना होगा कि साली दिल्ली सरकार की गोटियां काम जाए। पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। दोस्तों, ये मूवी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है। सन 1910 में छत्तीसगढ़ में यह विद्रोह भड़क उठा था। स्वतंत्र भारत में स्थित बस्तर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक अपराध है, जिसमें माओवादी कानूनों के तहत मौत की सजा हो सकती है। भारतीय माओवादी या कट्टरपंथी वामपंथियों, जिन्हें हम नक्सली भी कहते हैं, इन्होंने कुछ ही सालों में कई लोगों की जान ले ली है। मेरे पति का बदला और अपने बेटे को वापस लेने के लिए जिंदा हूं। मैंने हथियार उठाए हैं, बस्तर से नक्सलियों को खत्म करके रहूंगी। इन वामपंथियों को सड़क पे खड़ा कर सरेआम गोली मार दूंगी। चढ़ा देना फांसी पर। मैं नीरजा माधवन, एन IPS एट वॉर अगेंस्ट नक्सल्स। कहानी का डिमांड है कि मूवी में वायलेंस सीन्स दिखाए जाए, और डायरेक्टर सुदीप्त सेन ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वायलेंस के सीक्वेंस डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी के लीड रोल में है अदा शर्मा, जो IPS नीरजा माधवन का किरदार निभा रही है। इनके अलावा राइमा सेन और यशपाल शर्मा भी पर्दे पर नजर आएंगे। बस्तर द नक्सल स्टोरी, ये मूवी देखने के लिए 15 मार्च 2024 तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो इसे आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह नए मूवीज़ की अपडेट्स और जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।